मैं खानपुर ज़िला रहीम यार खान तो अपना बतौर लाइब्रेरियन काम शुरू किया। तो उन दौर च डॉक्टर तहर तौसवी साहब उत्थ आ गए और डॉक्टर तहर तौसवी के नाल उमल मुजाहिद जतोई साहब, राज जतोई साहब, जहूर धरेजा साहब, कैस फरीदी साहब, ये सारे अहबाब जड़े हैं ना ये अपना खानपुर मौजूद हैं। तो इन्हें सारे नाल मिल के पलसरेकी की गल अगू तो टूरती रह गई। उन्हें बाद मैं मुल्तान आ गयो तो मुल्तान में तो साफ जाहिर है गढ़ है सरेकी का। सरेकी अदब जो कुछ मेरे को थी सकता खास तौर पर अखबारात मजामीन, क्योंकि नवाए वक्त सब तो पहले ज्यादा अखबारात 90 के बाद सब तो ज्यादा तकरीबन मैं ही ये सिलसिले शुरू किए हैं। और उन बाद रेडियो पाकिस्तान उधर रो रोई थल लबान प्रोग्राम खास तौर पर चलता रह गया। अपना खुर्शीद मलिक साहबान, खालिद इकबाल साहबान, बे अहबाब जो उन्हें दे नाल रल के आसिफ खितरान साहब, तो उतना ये सिलसिला जो मुख्तलिफ सिलसिले टोरी लिखे ने पाँदी टुरदा जुलदा प्रोग्राम होंगे है। और उन बाद ये सिलसिला इं थी कि सरेकी अदबी ये बोर्ड मुल्तान डॉक्टर तहर तौसवी सरपरस्ती काम शुरू किया। पर बोर्ड जोड़ा है ये डॉक्टर मार अब्दुल हक चले पे हैं। उन बाद इतना मेरे ख्याल सन 92 इन्हें 92 या 93 डॉक्टर तहर तौसवी को आया तो उत्थर रल के भी असर काम किया और किताबें का सिलसिला भी शुरू किया। कई किताबा बोर्ड की तरफ मेरिया भी शायद थी, बे अहबाब भी शायद थी। और एक मैं सिलसिला इतना शुरू किया जो कि मेरे ख्याल पाकिस्तानी जुबान है शायद किथा ही हो सरेकी अदबी जायजे का कि ये जायजा अखबार इतने छपता रह गए मुख्तलिफ छपद लेकिन मैं ये सिलसिला शुरू किया किताबें किताबी सूरत हर साल शायद ही ना रह गए। और ये 25 साल मुसलसल मैं शायद किते किताबी सूरत और हूँ मैं उनको उनका खुलासा करके यानी वह एक किताब की शक्ल भी सामने घिन आया मैं। तो इन नाल नाल अदबी प्रोग्राम ठीक है रेडियो प्रोग्राम के नाल नाल टीवी प्रोग्राम या वे सिलसिले जो वो इवें टूरते रह गए। उन बाद मैं रेडियो अपना अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तानी जुबानें का शोभा शुरू थिया तो सब तो पहले मैं उतना एम फिल की यानी सरेकी हवाले नाल। और पहले बैच जी मैं उतों PhD की एम फिल मेरे डिग्रान डॉक्टर तहर तौसवी हैं। सरेकी किताबियात मेरा एक मौजू है सरेकी किताबियात तकरीबन 5000 तो ज्यादा किताबें एक फहरिस्त है जी किताबी सूरत भी शायद ही चुकी है। उन बाद सरेकी अफसाने नावल और ड्रामे का इरतका ये मेरा PhD का मौजू है जैसे डॉक्टर इनामुल हक जावेद मेरे सुपरवाइजर हैं क्योंकि वो उम्र उत्थे चेयरमैन हैं शोबे के तो किताब भी प्रेस इस वे गई हुई है उम्मीद है जल्दी छापा सी। तो ये सिलसिला मकसद ये है कि 80 तो रख के हूँ ती तकरीबन 4 दहाया थी गए सरेकी सरेकी ही लाई बदे हैं सरेकी का सिलसिला जो जो थी सकते अस अपने तौर पर काम करें पे हैं। और मेरे को खुशी है कि इतना अपना सरेकी एरिया स्टडी सेंटर जितना MA दा क्लासा पहले चल जा पे हैं हूँ MPhil का सिलसिला भी शुरू थी गया इंशाल्लाह PhD भी शुरू थी सी। और ये बहुत अच्छा एक हवाला है इतना ये रह गए अपना डॉक्टर काजी आबिद साहब वो खानपुर जै वे मैं लाइब्रेरियन के तौर पर गया वो उम्र उतना BA के स्टूडेंट हैं और कॉलेज मैगजीन के स्टूडेंट एडिटर भी हैं। बल इंज वेले डॉक्टर मुमताज़ कल्याणी साहब कम करेंगे पे बतौर डायरेक्टर डॉक्टर मुमताज़ कल्याणी तो मैं एक कॉलेज अलमदार कॉलेज कुलीग रह गए थे मैं उतना लाइब्रेरियन के तौर पर काम करें भी हमें उतना लैक्चर के तौर पर हैं बाद जो यूनिवर्सिटी आ गए और इस वे वो इतना काम करें पे बारह मुख बड़ी खुशी थी भी है कि ये शोभा दिन रात तरक्की करें पे और इंशाल्लाह ये मजीद तरक्की करेगी।